हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड इजी टेस्टी मिर्ची अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हरी मिर्चों को हमने अच्छी तरह से पानी से धोकर फिर एक कपड़े की मदद से सुखा लिया है। ध्यान रखिएगा, मिर्चों में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो अचार ख़राब हो सकता है। अभी हम मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं। सारी मिर्चियों को हमने टुकड़ों में काट लिया है। तो अभी चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच पीले वाले सरसों, 2 चम्मच इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, सारे साबुत मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अभी इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं और मसालों से एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो अचार बनाने के लिए फिर से चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है। इसमें डाल देंगे 50 ग्राम सरसों का तेल, 1/4 कप तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर लेंगे और डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कलौंजी। तो अभी हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। यहाँ पर हमने 1 इंच के अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है, साथ ही में लिया है 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। ऐसे ही चलाते हुए इनको हमें हल्का फ्राई करना है। अदरक और लहसुन हल्का फ्राई हो गए हैं। अभी गैस को बंद कर लेंगे और डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही में डाल देंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए। तो अभी हम डाल देंगे टुकड़ों में कटे हुए मिर्ची, साथ ही में डाल देंगे रोस्ट किए हुए मसालों का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और अभी अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
अभी लास्ट में अचार में हम डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार। अगर आप लोग इसे सुबह बनाएंगे तो शाम तक इसे खा सकते हैं। अचार ठंडा होने के बाद इसे हम एक कांच के जार में भरकर रख देंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग अचार को जिस जार या फिर कटोरी में रखेंगे उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। अचार ठंडा हो गया है, अभी इसे एक कांच के जार में हम भर लेंगे। तो देखिए अचार को हमने एक जार में भर लिया है। अभी लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल हम डाल देंगे, इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।